भवानी जंग के बाद अब उद्धव और फडणवीस के लिए इम्तिहान का दिन। कल बीएमसी चुनाव के लिए होगा मतदान। 227 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। बीएमसी के लिए खड़े हुए 2275 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 92 लाख मतदाता। सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक डलेंगे वोट। बीएमसी के साथ ठाणे, पुणे, नासिक समेत 10 महानगर पालिकाओं के लिए भी होगा कल मतदान। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। कोल्हापुर समेत कई शहरों में कल होने वाले जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक वोटिंग। बीएमसी चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का शिवसेना पर वार, बोले ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए काफी पैसा लेकिन नहीं कोई नतीजा निकला है। फडणवीस बोले बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना के पास कोई मुद्दा नहीं, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी और मुझे व्यक्तिगत तौर पर बना रही है निशाना। बीएमसी चुनाव के पहले शिवसेना का सीएम फडणवीस पर हमला, सामना संपादकीय में लिखा कल की हार के बाद हो जाएंगे पूरी तरह से पागल। सैनिकों को लेकर आपत्तिजनक बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी समर्थित एमएलसी प्रशांत परिचारक ने मांगी माफी, सोलापुर में जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। जाकिर नायक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए दाऊद इब्राहिम भी मुहैया करवाता था फंड, सूत्रों के हवाले से खबर। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने वाले क्रिकेटर हरमीत सिंह गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा, मुंबई के अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दौड़ाई बेकाबू कार। ठाणे के डोंबिवली में सराफा कारोबारियों से 56 लाख के पुराने नोट बरामद, दो लोग हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के अकोला में शॉपिंग सेंटर में भीषण आग, लाखों का माल हुआ खाक, सुबह 5 बजे लगी थी आग। आज से कैशलेस हुआ गोवा राजभवन, राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने किया पहला लेन देन, प्लास्टिक मनी के इस्तेमाल का फैसला। आईपीएल सीजन 10 की नीलामी में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टॉक्स की खुली लॉटरी, पुणे से रिकॉर्ड 14.5 करोड़ में खरीदा। फ्रेंचाइजी के हाथों धोनी की बेइज्जती पर उठे सवाल, फैन से लेकर दिग्गजों ने कहा कप्तानी से हटाने का तरीका बिल्कुल गलत। पुणे फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका की सफाई, पुणे को चाहिए एक युवा लीडर। 192 अंकों की बढ़त के साथ 28,661 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 57 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 8,879 पर बंद हुआ। सोने की कीमतों में 180 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,700 रुपए। चांदी की कीमतों में 300 रुपए प्रति तोले की कमी, 43,150 रुपए प्रति किलो हुआ चांदी का दाम। प्याज की बंपर पैदावार की ढुलाई के लिए आगे आया रेलवे, नई मालगाड़ी से होगी ढुलाई, 30% होगा इजाफा। जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए टाटा ग्रुप थाम सकता है रिलायंस कम्युनिकेशन का हाथ, मर्जर के बाद बन सकती है तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। मई से पीएफ का पैसा और पेंशन ऑनलाइन निकालने की सुविधा होगी शुरू, क्लेम सेटलमेंट के समय में आएगी कमी। 1 अप्रैल के बाद 2 लाख से ज्यादा रकम की ज्वेलरी खरीदने पर देना होगा 1% TDS, अभी तक 5 लाख रुपए है लिमिट। फिल्म काबिल का धुआंधार प्रमोशन करने के बाद छुट्टी पर निकले ऋतिक रोशन, स्वस्थ सेहत के लिए डिटॉक्स की तैयारी। करण जौहर की फिल्म से होगी सैफ, अमृता की बेटी सारा खान की बॉलीवुड में एंट्री, लेकिन फिल्म अभी तय नहीं, पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से जुड़ रहा था नाम।